गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज है फ्राइडे और सातवां दिन है रमज़ान का। आज सातवां रोज़ा है और मैं आप लोगों के साथ शूट करने जा रही हूँ आज का पहला व्लॉग, रमज़ान का फर्स्ट व्लॉग। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ व्लॉग शूट करूँ, लेकिन कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं मॉर्निंग से आप लोगों के साथ, सहरी से आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया। तो मैं अब टाइम हो रहा असल का, तो उस टाइम से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। तो आज मैं शेयर करूँगी थोड़ी बहुत रेसिपी जो भी मैं बनाऊँगी, कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं क्या क्या इफ्तारी में मैं क्या क्या बनाती हूँ और रोज़ा कैसे इफ्तारती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी टाइम हो रहा है अफ्तार, सॉरी अभी टाइम हो रहा है नमाज का, असर का टाइम है और असर के टाइम से ही मैं असर के नमाज के बाद में अफ्तारी बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि उस जो शाम का टाइम है ना बहुत जल्दी जल्दी जाता है ना, तो इसलिए आराम आराम से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज मैं आपके साथ जो जितना भी टाइम है वो पूरा टाइम शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो नमाज के बाद मिलते हैं आप लोगों से। चने बनाने के लिए पहले मैंने थोड़ा सा रिफाइंड लिया हुआ है और उसमें ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ी सी हींग ऐड की है, आधी चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है, आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च ऐड की है और मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उसके बाद में मैं इसमें चने ऐड कर दूँगी। मैं हमेशा चने इसी तरह से बनाती हूँ। चनों को मैंने 2 घंटे पहले बॉयल कर भिगो दिया था, उसके बाद मैंने इसे बॉयल करके रखा हुआ था ऑलरेडी, और उसके बाद मैं इसे चलाऊँगी। कैमरा हाथ में पकड़ी, थोड़ा हिल रहा है। और उसके बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला मैं हमेशा बाद में ऐड करती हूँ। और उसके बाद में मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बॉयल करने में भी नमक अपना ऐड कर दिया था, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी। उसमें डालूँगी मैं आमचूर पाउडर और फिर मैं इसे मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में मैं थोड़ा सा तेल लेकर एक तवे पे 3 से 4 हरे मिर्च को फ्राई करूँगी। ये जब इस तरह से फ्राई हो जाएंगे तो मैं उसी चने में इसे ऊपर से डाल दूँगी। जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं और ना नहीं खाते तो वो मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। मैं हलवा बना रही हूँ तो मैंने पहले रवे को अच्छे से भून लिया है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद में मैं इसे हटा दूँगी। उसके बाद में मैंने इसमें घी और इलायची डाल दी है, उसके बाद पानी डाल के थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है, 1 गिलास पानी डाल दिया है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा कलर और ड्राई फ्रूट भी मैंने ऐड कर दिए हैं। मैं कलर डाल के हलवा बनाती हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं और जब इसमें ये बॉयल हो जाएगा उसमें थोड़ा सा जो रवा फ्राई करके रखा है वो मैंने ऐड कर दिया है। तो ये बन गया है मेरा हलवा। ये बेटा है मेरा शरारती बच्चा जो सिर्फ फ़ोन में लगा हुआ है और किसी की भी नहीं सुन। मम्मी को प्यारी कर लो, प्यारी कर लो, प्यारी कर लो, प्यारी कर लो, प्यारी कर लो। दादी ऐस कर लो,
खुल के फ्री हुई थी, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी। तो अभी मैं उठी तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, मेरा ये रमज़ान ब्लॉग मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया रमज़ान पर, अभी तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। मेरा बहुत दिन टाइम से मन कर रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ और रमज़ान पे इफ्तारी और सहरी का वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज मैंने बनाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को ये वीडियो कितना पसंद आया ये आप लोग मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आगे भी बनाऊंगी। और जैसे ये इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है वो यूट्यूब पे और टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे वो चैलेंजिंग वीडियो, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं, करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और आगे भी मैं उसके लिए वीडियो शूट करूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि वो वीडियो भी आप लोग कैसे लग रहे हैं। और अगर कोई और भी वो वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहता है तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं आपके भी वीडियोस ऐड कर लूँगी, क्योंकि टाइम पास करने का ये बड़ा अच्छा रास्ता है। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, सारे लोग परेशान हो रहे हैं, पैक हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, घर में ही है, टीवी मोबाइल कहाँ तक देखेंगे। तो मेरे हिसाब से टाइम पास करने का बहुत अच्छा तरीका है। और मैं चाय बना के लाई थी तो मैं चाय पी रही हूँ। कैमरा इधर उधर सेट करना बड़ा मुश्किल है यार, लेकिन मैंने किया ना तो मुझे अच्छा लगा। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊँगी। और चैलेंज वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिए, अपने घर में रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।